सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू माई चैनल। एंड आपको बता दूँ, आज मैं निकला था रोड पे, लोगों से बात करी है। कितना अच्छा लग रहा है यार इजिप्ट में आके। इट्स रियली, इट्स अ वंडरफुल स्विच में, स्पेशली द पीपल आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। तो विकास भाई, आपको कैसा लगा? हाउ यू, मतलब बहुत कैसा यहाँ पे लोगों से बात करके आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए। 5-6 महीने के बाद कोविड की वजह से परेशान थे, तो हम लोग को ऑलमोस्ट शिप ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे होटल स्टे मिला है, इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ के जो पब्लिक हैं एकदम कूल माइंड है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं। और कोविड सबसे बड़ा चीज़ है कि कोविड का यहाँ पे टेंशन नहीं है। हाँ। और पीपल आर लाइक वेरी फ्री, वेरी फ्री। अब मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ पे मास्क पहनते हुए, एंड पीपल आर वेरी गुड, एक्चुअली वेरी गुड। और एक शादी भी देखी अभी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। वीडियो में आप देख सकते हो वो लंबा गाउन वाला, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगा, कुछ नया देखने को मिला। बट इट वॉज वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज देखिए हम यहाँ पे कायरो यानी इजिप्ट में हैं, और शाम के टाइम बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम है। ठंडा लग रहा भाई, ठंडा मौसम तो है ही है, बहुत सुहाना मौसम है और बहुत मजा आ रहा है। देख रहे हैं मनोज भाई हमारे कैसे नाच रहे हैं, दिख रहे हैं हिलते हुए। आपको आज आपको हम बता दें कि जो सब लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, देखिए यहाँ पे न बंदा है न बंदे की जात है, डिस्टेंस ही डिस्टेंस है। और देखिए वहाँ पे भी मनोरंजन हो रहा है, पूरा आनंद उठा रहे हैं हमारे चीफ साहब और जीएस साहब। देखिए खजूर के पेड़ के नीचे दोनों लोग एक दूसरे की सेल्फी लेते हुए बहुत ही ज़्यादा आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है। अभी इंडिया में कैसा था, अभी हम लोग आ रहे थे इतना गर्मी था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद से मौसम एकदम अपोजिट हो गया। अपोजिट इन द सेंस पूरा भी ठंडा नहीं हुआ है, मतलब जब मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही सुहाना मौसम जिसको बोलते हैं, ठंडा ठंडा हवा बह रहा है, तब ठंडा लग रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है फिर भी ठंडा के मारे कांप रहे, ऐसा नहीं है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात, बस वही फीलिंग आ रही है हम लोग को यहाँ पे। सच में यार बहुत ही दिन बाद आया ना, सबसे बड़ा चीज तो ये है विकास भाई। ऑलमोस्ट मेरा क्लासेस चल रहा था और आप भी छुट्टियों पे थे, आप 7 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए हैं हम। 5 महीने जस्ट हम लोग बस बगल में ही है रेड सी के, रेड सी वहाँ पे एक रेड सी करके होटल है, वहाँ पे ही हम लोग ने स्टे रखा है और काफी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है सच में, मतलब इतने दिन बाद थोड़ा सा रिलैक्स और थोड़ा सा खुला वातावरण जो है, मतलब एक अलग सा ही फीलिंग है यार, सच्ची बता रहा हूँ। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि मैं अब जो ब्लॉग्स डालने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार होने वाला, बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाला है। आई होप अगर आप सी फेयर नहीं भी हो तो आप देखोगे, राइट? प्लीज यार मेरे सी फेयर भाइयों से निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब करिए। देखिए एज ए लाइक फैमिली, आज हम लोग 2 साल के बाद फिर मिल रहे हैं एक दूसरे से, और अबे 9 महीना इन्हीं के साथ रहना है, तो एक दूसरे का साथ और प्यार विश्वास इसी तरह बनाए रखना है, और इनके विश्वास को कभी तोड़ना नहीं है। तो प्लीज़ यू इंजॉय एंड सब्सक्राइब, आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू माई डियर्स फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड गाइज आपको बता दूँ अभी सब्सक्रिप्शन मेरा, मतलब सब्सक्राइबर जो है मेरे धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, जो एक एक करके बढ़ रहा है, और थोड़ा सा स्पीड अप, थोड़ा बूस्टअप चाहिए ताकि थोड़ा और भी वो इंकरेज मिले, थोड़ा सा मतलब एक रीज़न मिले ताकि और भी अच्छा से अच्छा वीडियो शूट कर सके, एंड ताकि आप लोग भी थोड़ा अच्छा कंटेंट पा सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बस आप इसी तरह नए नए वीडियो अपलोड करते रहिए सर जी। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। इजिप्ट में हमारे भाई साहब एक फ्रूट है जो जिसे रसबरी बोलते हैं भाई, इसको रसबरी बोलते हैं इंग्लिश में, और बाकी इनके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। So guys, they are actually some language barrier is there. They cannot speak. Say in Bhojpuri language is makauchi. In English language is raspberry red.
सो इजिप्ट लैंग्वेज आई डोंट नो सो प्लीज गाइस प्लीज टेक इट नो नो टेक इट यू कैन आस्क नेम से हाय माय फ्रेंड हाय लाइक दिस हेलो सलाम वालेकुम और ये इजिप्ट में हम लोग यस ये इजिप्ट का फ्लैग है लहराते हुए बीच ग्राउंड में बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर एंड सम म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे कुछ तो है कुछ पार्टीज के मे बी शादी हो मे बी कुछ भी हो पता नहीं मुझे बिकॉज देर इज ऑलवेज अ लैंग्वेज बैरियर अच्छा शादी हो रहा है बहुत ही कम है एंड सो पीपल आर नॉट सो मच ऑफ वेयरिंग मास्क एंड यू कैन सी इवन द चाइल्ड्स आर नॉट वेयरिंग मास्क एंड हम भी कोविड करवा के आए हैं तो हमको तो पहनना चाहिए था बट इट्स ओके वी आर ऑल्सो नॉट वेयरिंग क्योंकि कार्टून लगेंगे सब कोई नहीं पहना और हम लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं तो दैट्स व्हाई हाथ मिलाओ I can speak English. You are welcome. If you come tomorrow again in the crowd, okay. You are welcome. See, small boy. So, guys, as you can see, park में यहाँ पे बहुत सारे साइकिल आपको मिल रहा है कार मिल रहा है जैसे हम लोग इंडिया में जाओगे आप सिटी सेंटर या किसी मॉल में जाते हो तो वी विल हैव लाइक हेलो व्हाट इज योर नेम something. Guy, a very hello. What's your name? Okay. My name is Manoj. Hello. So guys, you can see, childs are playing over here very good. Even they are. I am here just to join a ship. This ship, you know, this channel passing ship. We walk on a ship. So guys, you can see the people over here are very good here. Both the family, they are very cooperative. Even if you go and speak to them, they will, for sure they will speak. और ऐसा होता ही है जब कोई फॉरेनर आता है हमारे इंडिया में भी तो हम भी बहुत ही अच्छा से मतलब एक अलग सा ही फीलिंग्स होता है यार बहुत अच्छा लगता है तो द सेम फीलिंग आई एम ऑल्सो गेटिंग ओवर हियर लाइक पीपल आर लुकिंग एट मी एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू टॉक टू मी एंड नॉट मी ओनली विथ ऑल माई फ्रेंड्स
एंड दे आर वेरी गुड यार, वेरी गुड. हम हमको लगता है कि अरे इंडिया में आते हैं तो सब ऐसा फॉरेनर को देख के ऐसा करते हैं ये वो, कि ऐसा एक फॉरेनर को देखा नहीं तो पीछे भागने लगे. तो इफ़ यू गो टू एनी अदर कंट्री ऑल्सो यू विल सी द सेम थिंग ओवर देयर ऑल्सो. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि इट्स हैपनिंग ओनली विथ इंडियन गाइज, बट येस यू कैन हैव द सेम थिंग विथ एवरी मीन्स कंट्री. द पीपल इफ दे आर सीइंग अ न्यू पीपल from another part of country, so they love the cultures. Like कभी देखा नहीं होता है कि different cultures, जब कुछ नया चीज़ देखने को मिलता है तो people used to love it. So that's what people feel. So yeah. Okay. So people are just especially छोटे छोटे बच्चे आके बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको, बहुत मज़ा आ रहा है बात करके हम लोग से, इवन बहुत ही अच्छा लग रहा है. ब्रदर मनोज, सो गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मज़ेदार कंटेंट मैं देते रहूँगा, एंड यू विल इन्जॉय इट फॉर श्योर. सो गाइज थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू फ्रेंड.